हेलो फ्रेंड्स, मैं शिप्रा सक्सेना। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वेजिटेबल पोहा की रेसिपी। ये बहुत ही फटाफट बन जाती है, खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और ये किस तरीके से बनती है। 2 कप पोहा लिया है, यहाँ मैंने व्हाइट पोहा लिया है यानी फ्लैटन राइस, और इसको मैंने इस तरीके के स्ट्रेनर में डालकर धो लिया है और 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। अब ये इस तरीके से फूल कर तैयार है। एक मीडियम साइज पोटैटो लिया है, मध्यम आकार का आलू, और उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। थोड़ी सी फ्रोजन मटर ली है, अगर आप नापेंगे तो ये 1 टेबल स्पून होगी। 1 मीडियम टमाटो लिया है और उसको फाइन चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज ओनियन ली है, 1 मध्यम आकार की प्याज ली है और उसको भी फाइन चॉप कर लिया है। 2 ग्रीन चिली ली है, 2 हरी मिर्च ली है और उसको भी फाइन चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मूंगफली के दाने ली है, इसको कच्चा लिया है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। सम कोरिएंडर लीफ, थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है, इसको भी फाइन चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए वेजिटेबल कांदा पोहा बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल कांदा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसमें से थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब जो हमने मूंगफली ली थी उसको इसमें डालेंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। मूंगफली को अच्छे से भूनेंगे। याद रखिएगा, मूंगफली भूनते समय गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो मूंगफली ऊपर से एकदम से जल जाएंगी और अंदर अच्छे से भुनेंगी नहीं। ये देखिए, यहाँ मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। मूंगफली को हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है, अब बाकी बचा ऑयल भी हम कढ़ाई में डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो चॉप पोटैटो थे यानी कि आलू जो हमने छोटे छोटे पीसों में काट करके रखे हैं उसको डालेंगे। और हम इन आलुओं को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, यहाँ सभी पोटैटो अच्छे से लाइट ब्राउन होने लगे हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि आलू का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आलू को हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है, अब जो चॉप करी हुई हमने प्याज ली थी उसको इसमें डालेंगे। ओनियन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको जस्ट हल्का सा पिंक कलर देना है ताकि बस ओनियन सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेजिटेबल कांदा पोहा है, तो वेजिटेबल कांदा पोहा में अगर प्याज का थोड़ा सा क्रंच ना आए तो वो उतना टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए हम जो है इसको बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ओनियन को ज़्यादा फिर फ्राई नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। देखिए, ओनियन थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, अब जो हमने मटर ली थी उसको इसमें डालेंगे।
इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हमने जो टमाटर लिए थे चॉप करे हुए, उसको इसमें डालेंगे। चॉप भी इसलिए जो ली थी उसको डालेंगे। इन सभी वेजिटेबल को हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसके साथ सॉल्ट डालेंगे ताकि जो टमाटो हैं और वेजिटेबल हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप एक ही तरीके का मिर्च का यूज करें, या ग्रीन चिली या रेड चिली। सभी वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें जो हमने अभी फ्राई किए हुए पोटैटो रखे हैं उसको भी डालेंगे, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं उससे पोटैटो अच्छे से कोट हो जाए। जो हमने मूंगफली भुनी है उसको भी डालेंगे। अब इसमें जो हमने पोहा धो के रखा था उसको डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। पोहा ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें जो हमने 1 टेबल स्पून दूध लिया था उसको ऐड करेंगे। दूध पोहे में मॉइस्चर क्रिएट करता है, एक अच्छा टेस्ट देता है और उसको सॉफ्टनेस देता है, और साथ ही ये बहुत ही हेल्दी होता है पोहे में दूध। डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर आप फ्लैटन राइस मिल्क में डाल के खाते हैं तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सभी वेजिटेबल पोहे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई की लिड को बंद कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से ढककर रखने देंगे। उसके बाद हम पोहा को खोलेंगे ताकि इसमें अच्छे से दूध एब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्टनेस आ जाए। फ्रेंड्स, पोहे को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी लिड को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म पोहा बनके तैयार है। अब जो हमने चॉप करके कोरिएंडर लीव्स रखी थी उसको इसमें डालेंगे। पोहे में अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। देखिए पोहा देखने में जितना यमी लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म वेजिटेबल कांदा पोहा बनके तैयार है। इस डिश को अपने घर पर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना पूरी तरीके से फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।